लॉकडाउन में जहां एक तरफ लोग कोरोना वायरस के भय से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो कुछ लोग समाज सेवी व धार्मिक संगठन के लोग असहाय लोगों के लिए खाना वितरित करने में आगे आ रहे हैं। लेकिन इस कड़ी में बेजुबान जानवरों पर लॉकडाउन भारी पड़ता दिखाई दे रहा था। ऐसा ही एक वाक्य हमने मतलोडा ब्लॉक के गांव उरलाना कला की गौशाला में चारे की व्यवस्था न होने के कारण सिटी तहलका पर खबर दिखाई, जिसमें बेजुबान जानवर भूख से तरस्त मानो कोई सूद लेने वाला नहीं हो। सिटी तहलका पर खबर दिखाए जाने के बाद अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है। खबर चलाने के बाद गौशाला में दानी व्यक्ति व गांव के लोग अब सामने आने लगे हैं। दानी व्यक्तियों के साथ साथ युवा टीम ने अब गौशाला में सेवा करना भी शुरू कर दिया है। जैसे ही खबर सिटी तहलका पर चली, तो उसके बाद पानीपत के एक पटवारी ने गौशाला में 2 ट्राली चारा, 2 बोरी गेहूं दिए, तो वहीं SBI बैंक के कर्मचारी ने भी फ़ोन कर उन्हें गौशाला में चारे का सहयोग देने की बात कही। अब गांव के व्यक्ति भी वहां पहुंचकर चारा देने में सहयोग करने की बात कर रहे हैं। इस बारे में जब हमने युवा टीम से बात की तो उनका क्या कहना है, हम आपको सुनाते हैं। शियों को, गौ भक्तों को उरलाना कला युवा टीम का नमस्कार। देखिए, जैसे कि हमने युवा टीम की तरफ से जो खबर सुनने को आई थी, भाई गौशाला में गौओं के साथ जो चारे की जो किल्लत थी वो बहुत हो रही है, अब देखा गया। अभी उस खबर के बाद पता चला युवा साथी यहाँ पे गो सेवा में आए हैं, अपनी तह दिल से सेवा कर रहे हैं। और सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सभी युवा साथी, ग्रामवासी जो भी है, जितना भी हो सकता है, यहाँ पर आए, सेवा करें और ज़्यादा से ज़्यादा गौ चारे के लिए सोचे, क्योंकि यहाँ पर पैसे की ज़रूरत नहीं है, चारे की आवश्यकता है। 2-3 दिन से हम सिटी तहलका में वही खबर देख रहे हैं, जो अपने गांव की गौशाला उरलाना कला की, इसका बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। और हम सभी युवाओं ने ये खबर देखी, हमने ये बीड़ा उठाया कि अब हम यहाँ सभी मिलकर सेवा करेंगे। और आपसे भी गांव उरलाना वासियों से यही विनती है हमारी, सभी भाई सभी युवा के यहाँ पर देखें और सेवा करें। हमारी गौ माता का बहुत बुरा हाल है और हम सिटी तहलका का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। सिटी तहलका का भी यही उद्देश्य था कि उन लोगों तक बात पहुंचाई जाए जो लॉकडाउन के दौरान सेवा करना चाहते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और अब गौशाला में चारा सुचारू रूप से शुरू हो गया है। मैं चैनल्स का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जब से श्री गणेश गौशाला की खबर चैनल्स पे या यूट्यूब पे चली है ना, तब से दानी सज्जन निकल के सामने आने शुरू हुए हैं। कल भी हमारे पास पानीपत से पटवारी हैं, उनका फ़ोन आया था, और कल 2 बोरी और 2 ट्राली टूड़े की देके गए हैं। और अहर से भी SBI बैंक में है अजय टूर जी, उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका भी कल खबर देखने के बाद फ़ोन आया, भाई आपको जो सहायता चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं। तो हम चैनल्स का तय दिल से धन्यवाद करते हैं, जिसकी वजह से आज इस वीरान पड़ी गौशाला के अंदर, जहाँ पर गौएँ चारे के लिए भूखी मर रही थी, और खबर देखने के बाद दानी सज्जन कुछ सामने निकल कर आए हैं। मैं निवेदन करता हूं सभी दानी सज्जनों से भी, आपके चैनल्स के माध्यम से ज़्यादा श्री गणेश गौशाला में दान देने की कोशिश करें। ये दान पैसा तो नहीं लगा सकते, लेकिन इन्होंने बताया कि भी हम सहयोग कर सकते हैं, फिजिकल कार्य कर सकते हैं। आज भी इन्होंने पूरा गाय के लिए चारा डाला है, गोबर इकट्ठा किया, पंखे ठीक कर रहे हैं। कल भी ये आए थे और बता रहे हैं जब तक इनके पास समय है तब तक आते रहेंगे। और दोनों तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से इन तस्वीरों में फ़र्क नज़र आ रहा है। सिटी तहलका भी आप सभी दानी सज्जनों से अपील करता है कि लॉकडाउन में असहाय व्यक्तियों के साथ साथ बेजुबान जानवरों के बारे में भी हम सबको सोचना चाहिए, ताकि किसी प्रकार से कोई जानवर भूखा ना तरसे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।